हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। आज विश्व होम्योपैथिक दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं इसको स्टार्ट करने का आइडिया क्यों आया और कैसे आया वो छोटा सा एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में हमारा पहले प्लान था वेबिनार स्टार्ट करने का, लेकिन ये स्टार्ट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक बहुत ही रेस्पेक्टेड रेपुटेड एक सर हैं, टीचर हैं, NIH के एक्स डायरेक्टर, उनको बहुत समय से मैं वेबिनार में लाने का सोच रहा था। तो जब मैंने उन्हें कांटेक्ट किया तो उन्होंने वेबिनार सेमिनार में आने से अपने आप को अलग कर दिया है, मना कर दिया है कि अब मैं ये सब नहीं करता हूँ, छोड़ दिया हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। तो रीज़न भी उन्होंने बताया इसके पीछे का, अपना एक्सप्लेन किया, और मैं उनके थॉट प्रोसेस से काफ़ी कन्विंस हुआ क्योंकि मैं भी वही सोचता था जो उन्होंने बताया, और कुछ चीज़ें उन्हें हर्ट की जिसके वजह से उन्होंने इस सिस्टम से अपने आप को अलग कर लिया पूरा। और मैं भी एग्री हूँ उन चीज़ों को लेके, जैसे कि सेमिनार उनमें से एक है कि किस तरह से सेमिनार में सेमिनार के नाम पे एक करप्शन चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही इसमें इंटर कराया जाता है, इसमें वसूली होती है बच्चों के थ्रू, जिससे इनकी प्रैक्टिस में, किसी की भी प्रैक्टिस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। बेवजह के सेमिनार, बेवजह की चीज़ें होती हैं, और प्रैक्टिस नहीं चलती तो सेमिनारों से लोग पैसा कमाते हैं। वही दो चार केस जिंदगी भर दिखाते हैं जिसमें से आधे ज़्यादा तो नकली होते हैं। तो ये सारी अंदर की ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं जो कोई भी नहीं बताता, जो मैं आज बता रहा हूँ। तो वेबिनार इन कंपेरिजन इन सब से ठीक है, जिसमें पैसे भी नहीं लगते और लगते भी हैं तो बहुत कम लगते हैं। और लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि हमारे होम्योपैथी में ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा है। क्योंकि उन्होंने मेरा कुछ काम देखा था तो उन्होंने उसके लिए मुझे कहा भी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, मैं तो बहुत शॉक्ड हुआ। और मैंने क्योंकि कुछ कोशिश की थी और अभी भी कर रहा हूँ हमारे होम्योपैथी में काम करने की, कि पहले मुझे हमारे होम्योपैथी की जो टेक्स्ट बुक है होम्योपैथी की, एलेंस की नोट, उसमें बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन करप्शन दिखाई दिया। मैंने उस पर काम किया, रिसर्च वर्क किया और उसको ना सिर्फ ठीक किया, उन सब एडल्ट्रेशन करप्शन को दूर किया, बल्कि अपग्रेड भी किया। टेक्स्ट बुक को अपग्रेड करने के बाद मुझे समझ में आया नहीं, एजुकेशन सिस्टम में भी सेम प्रॉब्लम है, उसको भी हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो फिर मैं एजुकेशन सिस्टम में आया, कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन फिर मैं देखा कि ये प्रॉब्लम तो सिर्फ एक कॉलेज की तो है नहीं, लगभग 99% कॉलेज इससे प्रभावित हैं। ना तो अच्छी पढ़ाई होती है और ना ही अच्छी OPD चलती है। जब दोनों चीज़ अच्छी नहीं है तो कोई प्रैक्टिस कहाँ से सीखेगा और कैसे करेगा। तो इसके लिए मैंने फिर हमारी कीनोट्स होम्योपैथी अकेडमी स्टार्ट की, जिसमें वो सारी चीज़ें हमारी एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है जो होम्योपैथी का, उसके आधार पर हमारा सिलेबस को डिज़ाइन किया और पढ़ाना शुरू किया, जिसमें प्रैक्टिशनर को पूरा बेनिफिट मिल सके। फाइनल ईयर स्टूडेंट से लेके प्रैक्टिशनर तक के लिए ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। प्रैक्टिकल चीज़ें आपको सिखाई जा सके थ्योरी के साथ साथ। ये तो सेकंड स्टेप था मेरा, लेकिन इसके बाद साथ ही साथ मैंने देखा कि जो हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें सही सैलरी भी नहीं मिलती थी। जो हमारी गाइडलाइन थी UGC की, जो 2018 में पास हुई थी, उसके अकॉर्डिंग सैलरी तक नहीं दी जाती है, उसमें भी करप्शन। तो मैंने 2 साल तक इस पर संघर्ष किया और एट द एंड मैं इसमें सक्सेसफुल भी रहा। सारे डॉक्यूमेंट इसके आप मेरे फेसबुक के जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, उसमें देख लीजिएगा, बैक डेट में सब पड़ा हुआ है कि मैंने इस पर कैसे काम किया है, बैक डेट में सब आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे भी कोशिश की और फाइनली 7th पे कमीशन लागू हो गया। अभी इम्प्लीमेंट कितने दिन में होगा गॉड नोज, बट ऑन पेपर आ गया। ऐसे ही कोविड के समय में जब कोई रिसर्च नहीं हो रहा था, वो भी आप मेरे फेसबुक के ग्रुप में बैक डेट में जाके देखिए, जिन रिसर्च के बारे में मैंने बात की थी, बाद में वो सारे रिसर्च दूसरों ने किए, कोई भी करे, प्रोफेशन आगे बढ़ना चाहिए, वो भी हुआ और वो काम आया हमारे प्रोफेशन के। तो इस तरह से ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, बट ग्राउंड लेवल पे हमारे प्रैक्टिशनर को प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई कि जब कोई प्रैक्टिस में उतरता है तो प्रैक्टिस करे कैसे,
क्योंकि जो अच्छे डॉक्टर हैं उसे यही सिखा सकते हैं कि आप ये सिम्टम देख के, ये चीज़ें देख के आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दो, इतने पोटेंशियल इतनी डोज, ये सब चीज़ें बता देंगे, सिखा देंगे। लेकिन क्लिनिक रन कैसे करें, पैसे कैसे कमाएं, पेशेंट कैसे लाएं, ये सारी चीज़ें कोई नहीं सिखाता। हमारे फील्ड में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है होम्योपैथिक फील्ड में, और ना ही कोई अपने तरीके बताता है कि कैसे उन्होंने क्लिनिक रन कराए। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, पूरी होम्योपैथी की प्रॉब्लम है, और जब तक होम्योपैथी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, होम्योपैथी आगे नहीं बढ़ेगी, मेरा ये सोचना है। तो मैं हमेशा सबका साथ सबका विकास ही सोच के काम करता हूँ। तो इसके लिए हम लर्निंग विद अर्निंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको हर महीने एक तरीका बताया जाएगा पैसे अर्न करने का, प्रैक्टिस चलाने का। टोटल 12 तरीके बताए जाएंगे आपको 12 महीने तक। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि 100 में से 90% लोग तो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, होम्योपैथी छोड़ देते हैं, 10% ही प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी लास्ट तक 4-5% ही रुकते हैं प्रैक्टिस में, और उन 4-5% में भी लास्ट में सिर्फ 1% ऐसे होते हैं जो अच्छा कमा रहे होते हैं, अबव 1 लाख कमा रहे होते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं रही है, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि कैसे होम्योपैथी में बिना प्रैक्टिस छोड़े अपना सर्वाइवल कर सकें, अदर इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकें, अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकें। हम अपने मास्टर क्लास के थ्रू भी ये स्किल डेवलप करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, और हम यहाँ पे लर्निंग विद अर्निंग सीरीज के थ्रू भी आपको इसके थ्रू एजुकेट करेंगे। तो पार्ट 1 है इस सीरीज का, रेफरल। क्यों अपने डिफिकल्ट केसेज को हमें किसी एक्सपर्ट या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास भेजना चाहिए, वो भी होम्योपैथी में, मैं एलोपैथी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसके फायदे नुकसान क्या हैं ये कोई नहीं बताता, लेकिन ये एलोपैथी में हो रहा है और वो उसके पूरे फायदे उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक झूठ फैलाया गया है हमारे होम्योपैथी में कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर सर्वज्ञाता ओमनीसेंट होता है, जिसे सब आता है, दुनिया के सारे मरीज ठीक कर सकता है। अगर ऐसा होता तो सिर्फ एक ही डॉक्टर होता और एक ही क्लिनिक होती, बाकी सब छोड़ चुके होते हैं। ये संभव ही नहीं है, सबकी अपनी लिमिटेशन है, अपने नॉलेज की, अपने एक्सपीरियंस की। तो इस डिल्यूशन से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर ऐसा सच होता तो डॉक्टर हनीमैन खुद लंग कंप्लेंट से नहीं मरे होते, और इतने सारे स्टॉरवर्ड किसी ना किसी बीमारी से नहीं मरे होते। ठीक हुए हैं ये सच है, लेकिन उनका मरना भी एक सच है। तो इस सच को स्वीकारिए, क्योंकि एलोपैथ डॉक्टर्स ने भी इस सच को स्वीकारा और आगे निकल गए, वो ग्रोथ कर गए, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गए। उन्होंने MD ही नहीं, सुपर स्पेशलिटी में भी अपने डिपार्टमेंट्स अलग कर लिए, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में 10-12 बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके पेशेंट मिलते ही मिलते हैं। तो फिर ये कहाँ संभव है कि हम अकेले 100 से ज़्यादा बीमारियां ठीक कर लेंगे? आप किसी भी डॉक्टर का अगर उठा के देखेंगे भी ना एक्सपीरियंस केस रिकॉर्ड, तो उसकी भी 10-12 बीमारियों में ही ज़्यादा पकड़ मिलेगी, मतलब जिसने ज़्यादातर केसेस देखे होंगे उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा कोई, मैं प्रैक्टिकल डेटा की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारा जानना, और एक एलोपैथ की तरह सोचना अगर पैसे कमाने हैं, सर्वाइव करना है तो। क्योंकि ऐसे ही नहीं एलोपैथिक डॉक्टर इतने अमीर, इतने सक्सेसफुल बन गए, वो कैसे किए ये सब चीज़, उनके तौर तरीके हमको भी सीखने होंगे कि वो कब रिफ़र करते हैं और क्यों रिफ़र करते हैं। दो चीज़ें हैं, तो क्यों रिफ़र करते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कब रिफ़र करते हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि क्यों अंडरस्टूड है और कब लोगों को पता ही नहीं होगा दिन में। तो आइए देखते हैं। अब इसके फायदे नुकसान हम देखते हैं क्या क्या हैं। थिंक लाइक एलोपैथिक डॉक्टर्स, व्हाई दे रिफर केसेज। तो सबसे पहला रीजन है ग्रो टुगेदर। मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के डिपार्टमेंट में जरूरत के हिसाब से केसेस को रिफर करने से
दोनों डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स का या दोनों तरह के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर का ग्रोथ होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं जब कोई केस ऐसा देखता हूँ जो कहीं दूर का होता है ऑनलाइन, और उस एरिया में, उस शहर में या उसके आसपास के एरिया में मेरे जानने में कोई अच्छा डॉक्टर होम्योपैथी में होता है, तो मैं जो एक्यूट कंप्लेन होती है अपने क्रॉनिक केसेस की, उसके लिए मैं उनको उस डॉक्टर के पास रेफर कर देता हूँ। क्योंकि एक्यूट केस में हम ऑनलाइन देख के भी दवा नहीं भेज सकते हैं, बेचते बेचते बहुत देर हो जाएगी और पेशेंट को तुरंत आराम चाहिए, और अगर हम पेशेंट को दवा लिख के भी देते हैं तो वो गड़बड़ तो कर ही देगा एक्यूट केसेज में दवा लेने में, या ज़्यादा डोज ले लेगा। तो मैं वो रिस्क नहीं लेता, मैं वहाँ पर उनको रेफर कर देता हूँ आसपास के जो अच्छे डॉक्टर होते हैं। जब वो ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है तभी मैं उनको सजेस्ट करता हूँ मेडिसिन। तो इससे क्या हुआ कि जो पास का डॉक्टर है उसको भी पेशेंट मिले और हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। या फिर कोई दूसरा हायर डिपार्टमेंट है, जैसे मैं गैस्ट्रो में अच्छा हूँ, कोई कार्डियो या नेफ्रो या पल्मोनोलॉजी में अच्छा है, तो मैं, मेरे पास कोई ऐसा केस आएगा जो एक दो बार ट्रीटमेंट में ना आराम मिला तो मैं वहाँ रेफर कर दूंगा। सिंपल सा प्रोसेस है। और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में भी एलोपैथी में यही तरीका अपनाते हैं। तो इसे क्या है, दोनों तरफ से डॉक्टर का ग्रोथ होता है। सेकंड, केसेज खराब अगर हो गए बाय चांस तो उसमें आपकी रेपुटेशन भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, पब्लिकली भी और पेशेंट के फैमिली में भी। तो यहाँ पे आपकी रेपुटेशन भी बची रहती है, अगर कोई केस ज़्यादा समय तक लंबा खींच रहा है, नहीं ठीक हो रहा, बिगड़ रहा है, तुरंत रिफर करिए उस डिपार्टमेंट के या उस एक तरह के केस में एक्सपीरियंस होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। तो इसका तीसरा फायदा क्या होगा कि बाय चांस अगर पेशेंट पार्टी थोड़ी सनकी टाइप की निकल गई तो आप किसी भी मेडिकल को लीगल केस से बच सकेंगे, अवॉइड कर सकेंगे इसको। नेक्स्ट इसमें है अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम रिफर केसेस। जब आप किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड पर्सन डॉक्टर के पास किसी डिपार्टमेंट में कोई केस रिफर करते हैं तो आपको भी एक मौका मिलता है उस केस में कैसे हैंडल किया जा रहा है वो जानने का, जिससे आप भी सीख सकते हैं कुछ ना कुछ। तो ये जो कोई नहीं सिखाएगा वो आप इस तरीके से सीख पाएंगे। उसके बाद मेक मेडिकल एटिक्विटी। इससे क्या है कि आपसी जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होते हैं ये मजबूत होते हैं, मेडिकल एटिक्वेट मेंटेन होता है। नेक्स्ट, पेशेंट शुड नॉट गो आउट ऑफ होम्योपैथी एक्सेप्ट ट्रूली सर्जिकल एंड लाइफ सेविंग केसेज। कोशिश ये रहे कि पेशेंट होम्योपैथी के बाहर ना जा पाए तब तक जब तक कि वो या तो सच में सर्जिकल केस ना हो या फिर लाइफ सेविंग का केस ना हो। क्योंकि अगर पेशेंट को आराम नहीं मिला, बहुत से एलोपैथिक डॉक्टर, जनरली एलोपैथिक डॉक्टर से केस बिगड़ जाते हैं तो वो एलोपैथी के अलावा किसी दूसरे पैथी में पेशेंट भेजते ही नहीं है, होम्योपैथी में तो बिल्कुल भी रिफर नहीं करते। तो फिर सभी केस होम्योपैथ क्यों अपने कम एक्सपीरियंस या कम नॉलेज की वजह से या किसी और वजह से उनके पास रिफर करें। कोशिश करिए कि पेशेंट होम्योपैथी से बाहर तब तक ना जाए जब तक सच में उसको जरूरत ना हो, ट्रूली सर्जिकल या लाइफ सेविंग का केस ना हो। यहाँ पे हमारा डिजीज नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैंने ज़्यादातर होम्योपैथ डॉक्टरों को भी ऐसे केसेस रिफर करते देखा है जो होम्योपैथी में ठीक हो सकते हैं, उसको भी एलोपैथी में रिफर कर देते हैं। ठीक है, अगर उनको नहीं आता है, नहीं एक्सपीरियंस है, तो होम्योपैथी में जिसको एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टाइज है, उसके पास भेजिए। लेकिन कोशिश करिए हमारे प्रोफेशन से बाहर पेशेंट नहीं निकलना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस जो दो कंडीशन मैंने बताई तब तक। तो इस तरीके से आप एक दूसरे की हेल्प के साथ एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मंथ हम अगला तरीका बताएंगे। थैंक यू।